हाल ही में भारत और मालदीव के विवाद से पहले मालदीव के कुछ लोगों ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को जोकर कहा था, और इतना ही नहीं पूरे भारत देश को ही गंदगी से भरा देश बताया गया, जिसके बाद से मालदीव का खासा नुकसान हुआ। करीब 10,000 से अधिक होटल बुकिंग और 5,000 के करीब फ्लाइट टिकट रद्द हुई। यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप घूमने गए थे। उस दौरान पीएम मोदी जी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई, और इन तस्वीरों को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसे लेकर भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली, और लोगों ने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया, जिससे मालदीव के स्टॉक मार्केट पर भी गहरा असर पड़ा, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी का 36% हिस्सा टूरिज्म से चलता है, जिसके चलते उन तीनों मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने मोदी जी और हमारे देश के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की थी। साथ ही मालदीव के प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके इंडिया और मोदी जी से माफी मांगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इतना बड़ा फसाद हुआ, मालदीव तो हमारे पक्के मित्रों में आता है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने जब लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर किया तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि छुट्टी मनाने के लिए मालदीव से ज्यादा बेहतर लक्षद्वीप है। इन्हीं ट्वीट्स का जवाब देते हुए मालदीव के नेताओं ने आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी। उनका कहना था कि लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से नहीं की जा सकती है, जिसके बाद दोनों देशों के खिलाफ विवाद ज्यादा बढ़ गया। वैसे दोस्तों, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों के साथ हमेशा बना कर रखता है। मालदीव भी उन्हीं में से एक है। मालदीव के पूर्व प्रधानमंत्री इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो मोदी जी के प्रिय मित्र भी है, जब तक वह थे तब तक वह जानते थे कि भारत उनकी किस हद तक मदद करता है। आपको मैं 2014 की एक बात बताता हूँ, जब मालदीव में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जिससे वहां बड़ी वाटर क्राइसिस हो गई थी। तब भारत ने ही मालदीव की मदद की थी, क्योंकि मालदीव चारों तरफ से खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। भारत ने तुरंत मालदीव के लिए 1,000 टन से ज्यादा पानी भेजा, जिससे वहां की पानी की कमी को खत्म किया गया। ऐसे ही बहुत से कामों में इंडिया ने मालदीव की मदद की है। जैसे भारत ने मालदीव को कई सारे हेलीकॉप्टर गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। इतना ही नहीं, मालदीव पर कोई देश हमला न कर दे, इसके लिए भारत सरकार ने मालदीव को एक रेडार भी दिया था, जिसके जरिए वह घुसपैठों पर नजर रख सके। कोरोना महामारी के टाइम काफी सारी वैक्सीन भी मालदीव को मुहैया करवाई थी। इंडिया ने आज तक मालदीव की जितनी भी मदद की है वह ग्रांट के रूप में की है, ना कि लोन के तौर पर। ग्रांट और लोन में ये फर्क होता है कि लोन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित राशि उधार देती है, जिसे ऋणी को एक निश्चित अवधि के दौरान ब्याज के साथ चुकाना होता है। वही ग्रांट की बात करें तो यह वह व्यवस्था होती है जिसमें पैसा वापस लेने की कोई बात नहीं होती, जिसमें एक व्यक्ति या संस्था को किसी संपत्ति या सेवा के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन जो अब के यानी प्रेजेंट के मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद म्यूअज़ू, वह इंडिया से काफी जलते हैं। जब वह मालदीव के प्रेसिडेंट नहीं थे तब उन्होंने भारत को मालदीव से अलग करने की मांग करी, मतलब कि वह भारत से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि मालदीव जब 1976 में आजाद हुआ उससे पहले से भारत पहला ऐसा देश था जिसने मालदीव की मदद की थी, और एक अग्रीमेंट के तौर पर 77 भारतीय फौजी मालदीव में है, वह उनकी मदद करने के लिए वहां मौजूद है। जैसे मालदीव के जाबाजों को ट्रेनिंग देना, पेट्रोलिंग करना, घुसपैठियों से मालदीव की रक्षा करना, ऐसे बहुत से काम भारत के सैनिक मालदीव में करते हैं। मालदीव के पास कुल 11,000 से ज्यादा सैनिक है, लेकिन फिर भी उन 77 सैनिकों को लेकर वहां मोर्चा निकाला गया कि इंडिया के सैनिकों की गतिविधि हमारे देश में काफी बढ़ रही है, जो हमारे देश के लिए खतरा है। इसी कारण से वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूअज़ू ने इंडिया आउट जैसी टी शर्ट पहनकर जुलूस निकाला, और उसके कुछ समय बाद वह इलेक्शन भी जीत गए। पास्ट टाइम की बात करें तो जितने भी प्रेसिडेंट आज तक मालदीव के बने हैं वह जीतने के बाद सबसे पहले इंडिया के प्रधानमंत्री से मिलते थे, लेकिन मोहम्मद म्यूअज़ू ने ऐसा नहीं किया,
और सबसे पहले वह टर्की के प्रेसिडेंट से मिले, जिसके बाद दोनों देशों में थोड़ी तकरार हो गई, जिसके चलते मोदी जी ने अपने आत्मनिर्भर भारत को टूरिज्म की ओर बढ़ावा देते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करके अपने देश के एक हिस्से यानी लक्षद्वीप को बढ़ावा दिया। इस पोस्ट के जरिए मोदी जी ने मालदीव को कुछ नहीं कहा, वो तो बस अपने देश के एक राज्य लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन मालदीव के कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर इस बात से नाराज हो गए और मोदी जी की पोस्ट पर कमेंट करके अपमानजनक बातें लिखने लगे, जिसमें उन्होंने मोदी जी को जोकर बोला और एक पोस्ट में तो भारत को ही गंदगी से भरा देश बोल दिया, जिसके बाद लोगों को काफी गुस्सा आया और लोगों ने मालदीव बॉयकॉट का नारा लगाया, जिससे मालदीव को इकोनॉमी तौर पर काफी हानि हुई और अब मालदीव भारत के प्रधानमंत्री और जनता से माफी मांग रहा है। दोस्तों, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या मालदीव को भारत द्वारा माफ करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।